हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मोर्ची वुड फ्लोर्स प्राइवेट लिमिटेड। आई एम उपेंद्र चौधरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के इंडोर लोअर्स पैनल के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सी इंक्वायरीज आती हैं कि किस तरह का जो लोअर्स पैनल है वो हमें इंडोर में यूज़ करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एन नंबर ऑफ लोअर्स पैनल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और नए नए प्रोडक्ट भी मार्केट में आते रहते हैं। सो अभी हमारे पास भी एक दो न्यू प्रोडक्ट्स आए हुए हैं इंडोर लोअर्स के लिए, जो बहुत ही आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और बहुत काफ़ी लोग उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास एन नंबर ऑफ लोअर्स होते हैं तो हमारे माइंड में उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम किस तरह के लोअर्स पैनल को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा हमारे इंडोर के लिए, कौन सा कॉमर्शियल बेटर होता है या कौन सा रेजिडेंशियल बेटर होता है। क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स की साइट्स पे वर्क करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में वर्क करते हैं। सो किस लोकेशन के लिए कौन सा बेटर रहेगा, WBC बेटर रहेगा या PVC बेटर रहेगा या प्योर वुड का बेटर रहेगा, सो उसी के बारे में हम पूरा आज इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले, जैसे हमने पहले भी अपने अर्लियर वीडियोज के अंदर बताया हुआ है कि एक इंडोर लोअर्स पैनल के लिए एक PVC प्रोडक्ट होता है। बेसिकली ये PVC पैनल होता है जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ PVC वॉल पैनल। ये काफ़ी ओल्ड ये प्रोडक्ट है। इसकी जो थिकनेस है ये 5 mm होती है। ये बेसिकली 8 inches 10 inches विड्थ के अंदर आता है और 9.5 feet 10 feet इसकी पूरी लेंथ होती है। ये सबसे पुराना प्रोडक्ट है, आजकल मार्केट में चल रहा है, बहुत कम चल रहा है। कॉमर्शियली इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और रेजिडेंशियल जो साइट्स होती हैं वहाँ पर हम इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्योर पॉलीविनाइल कार्बोनेट से बना होता है, प्योर प्लास्टिक होता है। इसको घर में कम से कम यूज किया जाए उतना ही ये बेटर होता है। इसके बाद हम अगर अगले प्रोडक्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो वो WBC फ्लूटेड लोअर्स पैनल होते हैं। इस प्रोडक्ट पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये बेसिकली 15 mm थिकनेस, 23-25 थिकनेस के अंदर अवेलेबल होता है। फ्लूटेड इसके पैनल होते हैं, इस तरह की आप जो फ्लूट्स देख रहे हैं ये फ्लूट्स इसके अंदर होते हैं। और इसके अगर कोर प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये बेसिकली रिसाइकल्ड या प्लास्टिक, नॉर्मली जो प्लास्टिक होती है प्लास्टिक के अंदर वुड का कुछ पार्ट मिक्स किया जाता है और उसको WPC फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड वुड प्लास्टिक कंपोजिट WPC फ्लूटेड पैनल। सो ये भी आजकल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, चल रहा है मार्केट में। लेकिन इससे भी बेटर अगर हम बात की जाए, सो हमारे पास एक और बेटर प्रोडक्ट अभी आया हुआ है, जिसको इस वीडियो के अंदर जरूर हम उसको कवर करेंगे। और वो प्रोडक्ट हमारे पास ये आया हुआ है, ये MDF पैनल्स। ये बेसिकली MDF पैनल्स होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कोई होलो सेक्शन भी नहीं होता है और ये प्योर MDF का बना होता है। MDF मीन्स मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, यानी कि वुड के पार्टिकल्स होते हैं, उन वुड के पार्टिकल से इसको बनाया जाता है। इसके अंदर जैसे अभी आप देख रहे हैं ये वाइट शेड के अंदर है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के शेड्स अवेलेबल होते हैं, वो पिक्चर्स के अंदर हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। सो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली MDF वॉल पैनल जो प्रोडक्ट है, ये इको फ्रेंडली होता है, कम्प्लीटली इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई वुड या प्लास्टिक का कोई मतलब ऐसा कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता जो हमारी बॉडी के लिए या एनवायरमेंट के लिए हजार्डस होता है। क्योंकि ये पूरी तरह 100% इको फ्रेंडली होता है और घर के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जो WPC होता है, WPC के अंदर भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का कंपोजिशन उसके अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन इसके अंदर किस तरह का कोई प्लास्टिक नहीं अवेलेबल होता है। ये प्योर लकड़ी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वुड पार्टिकल से मिलकर तैयार किया जाता है, ठीक है। सो इसके अगर हम अगले नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमारे पास कंप्लीटली प्योर वुड का एक लोअर्स पैनल अवेलेबल है। ये बेसिकली थर्मोपाइन वुड के अंदर भी होता है, थर्मोपाइन अपार्ट फ्रॉम थर्मोपाइन एल्डर या डिफरेंट टाइप्स की जो वुड स्पेसीज होती हैं उसके अंदर ये अवेलेबल होता है। ये यूरोपियन प्रोडक्ट है, इट्स नॉट द इंडियन प्रोडक्ट। ये पूरी तरह इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और बहुत ही हाईली ड्यूरेबल, हाईली मतलब अगर बात की जाए इसकी क्वालिटी को लेके तो बिल्कुल टोटल स्ट्रेंथेबल प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई आप इसको अगर ब्रेक करना चाहेंगे तो ब्रेक भी नहीं हो सकता। नॉर्मली जो WPC पैनल होते हैं वो ब्रेक भी हो जाते हैं और इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा, ना ही ब्रेक होगा। लेकिन इसमें बस ये होता है कि जो मॉइस्चर वाली वॉल्स होती हैं इंडोर में, वहाँ पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडोर वॉल्स के अंदर कहीं पे अगर मॉइस्चर की प्रॉब्लम है सो वहाँ पे आप प्योर वुड का जो पैनल है वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ प्रोडक्ट नहीं होता है। क्योंकि वाटर प्रूफ प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि पानी या कहीं से भी कोई मॉइस्चर लीकेज होता है तो उस केस में भी वाटर प्रूफ जो भी प्रोडक्ट होता है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन ये प्योर वुड है तो प्योर वुड को आप उन साइड्स पर या उन जगह पे यूज नहीं कर सकते जहां पे क्या पानी की या लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम होती है। सो उसके लिए मैं अगेन अपने बात को रिपीट करूंगा कि आप WPC पैनल के अंदर ही अगर जाएं तो बेटर होगा। और अगर कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपकी जो वॉल्स हैं इंडोर की वॉल्स एकदम बिल्कुल क्लियर हैं, कहीं पे कोई लीकेज नहीं आ रही है, सो उस केस में आप
MDF वॉल पैनल्स होता है, इस MDF वॉल पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो प्योर थर्मोपाइन वुड के अंदर, प्योर नेचुरल वुड के अंदर जो लूवर्स पैनल हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये इस तरह की शेप्स आपको मिल जाएंगी, या आप अगर कुछ नैरो शेप्स चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, या फिर इसके अंदर कोई आपको कर्व टाइप की कुछ डिफरेंट यूनिक शेड्स अगर आप चाहते हैं सो वो भी शेप्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें इसको कस्टमाइज़ भी हम कर सकते हैं। इसमें आप अगर कुछ जो इसके ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं सो ये भी पॉसिबल है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लूवर पैनल थे और इसके बारे में हमने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। अगर इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो में अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और वीडियो के एंड में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे इस पेज को, ताकि और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आगे हम जो भी वीडियो बनाएं उसमें हम किस टॉपिक को लेके वीडियो बनाएं, क्या हमें उसमें कंसिडर करना चाहिए किस पॉइंट को, वो सब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ही अप्रिशिएटेड है और वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, हम आपके कमेंट्स पे काम करते हैं। हम जो भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में हम उसको लेके वीडियो जरूर बनाते हैं, ताकि हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकें, ताकि वो अपना डिसीजन जब लें तो उनको डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू, तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।